फास्ट एंड फ्यूरियस एक ऐसा फ्रेंचाइज है जो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इंडिया में इसके कई ज्यादा फैन है। और ये फैन आज से नहीं, काफी सालों से, जब से फास्ट एंड फ्यूरियस की पहली मूवी आई थी तब से लेकर आज तक इसके फैंस इंडिया में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब इंडिया में ऐसा हो चुका है कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की जब अनाउंसमेंट होती है लोग यहाँ पे एक्साइटेड हो जाते हैं और लोग इंतजार करते हैं कब इसकी फास्ट एंड फ्यूरियस की अगली मूवी हमें देखने को मिले। फाइनली कुछ महीनों पहले हमें फास्ट एंड फ्यूरियस का एक पहला स्पिन ऑफ देखने को मिला था हब्स एंड शो, और वो स्पिन ऑफ कितना ज्यादा चला है मुझे बताने की जरूरत है क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस के सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फैंस है। और फास्ट एंड फ्यूरियस की अगली मूवी हमें 2020 में देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की तरफ से एक एनिमेटेड सीरीज बनाई गई जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस फैंस के लिए और उन लोगों के लिए जो एनिमेटेड सीरीज देखना पसंद करते हैं। तो क्या ये सीरीज आपको इस हफ्ते देखनी चाहिए या नहीं चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये एनिमेटेड सीरीज देखकर मुझे पर्सनली कैसा लगा और इसमें मुझे क्या कुछ खराब लगा। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को ज्यादा शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ज्यादा पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो बेसिकली इस एनिमेटेड सीरीज में आपको डॉम टोरेटो या उसकी टीम नजर नहीं आने वाली, डॉम टोरेटो नजर आने वाला है लेकिन एक स्पेशल छोटे से रोल में। उसके अलावा आपको डॉम टोरेटो यहाँ पर नजर नहीं आने वाला, यहाँ पर आपको डॉम टोरेटो के कजन टोनी टोरेटो और उसकी टीम नजर आने वाली है। टोनी टोरेटो और उसकी टीम को वहां की सरकार डॉम टोरेटो के कहने पर एक मिशन पर भेजती है। तो क्या वो लोग इस मिशन को सक्सेसफुली कामयाब कर पाएंगे ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये एनिमेटेड सीरीज देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दें कि इस एनिमेटेड सीरीज में मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा। देखिए जब आप ये एनिमेटेड सीरीज देखोगे तो आपको कहीं से भी लगेगा नहीं एक एनिमेटेड सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की तरह जबरदस्त एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलेंगे, रॉबरी सीन्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े रेस सिक्वेंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई एनिमेटेड सीरीज है बल्कि आपको फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी कोई एक मूवी लगी, क्योंकि इसकी जो स्टोरी लाइन है बहुत अच्छी है, साथ साथ जो इसके कैरेक्टर है काफी फन लविंग और काफी लवेबल कैरेक्टर है। मुझे पर्सनली इसके तो टोनी टोरेटो, दूसरा फ्रॉस्टी और तीसरी लायला, ये तीनों कैरेक्टर से आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे और तीनों कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि एक बढ़िया कॉमेडी और गुड ह्यूमर भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस वेब सीरीज की जो लेंथ की बात करूं तो सिर्फ हमें 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड के लिए लगभग 23 से 27 मिनट के बीच में, तो इस एपिसोड की लेंथ ज्यादा नहीं होने की वजह से और एपिसोड स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत जबरदस्त होने की वजह से कहीं से भी आप लोग बोर फील करते नहीं हो। और जो कहानी की बात करूं तो कहानी फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइज की तरह बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है। मुझे पर्सनली इसमें कोई भी ऐसी खामियां नहीं लगी जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सकूं। हाँ, इसकी ग्राफिक्स की बात करूं तो ग्राफिक किसी बड़े वीडियो गेम्स की तरह ही लगते हैं, बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कहीं से भी मुझे ऐसा नुक्स निकालने की कुछ ऐसा लग रहा नहीं कि मैं निकाल सकता हूं। तो मेरे हिसाब से इस हफ्ते एक बढ़िया एनिमेटेड सीरीज है, आप अपने फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हो, कहीं से भी आप बोर हो गए नहीं। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज के बहुत बड़े फैन है तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए बनाई गई एक एनिमेटेड सीरीज है, तो आप बहुत इंजॉय करोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन बाय।